स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी आपका जो ट्राइपॉड है इस प्रकार से। सेल्फी स्टिक को मैंने अमेज़न से परचेस किया है, तो इसका मैं आपको पूरा रिव्यू और अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ। साथ में इसकी स्टेबिलिटी भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, क्या आपको परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, टोटल चीज़ मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे मैं इसको ओपन करता, तो ओपन करने के बाद मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इस प्रकार का आपको यहाँ पे ट्राइपॉड देखने को मिलेगा और एक यहाँ पे इनवॉइस है। तो चलिए इनवॉइस को मैं यहाँ पे किनारे कर देता हूँ। तो ट्राइपॉड का आप यहाँ पे साइज़ देख सकते हैं, काफ़ी छोटा है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पर बताया जा रहा है इसमें जो एलॉय व्हील मिल रहा है वो एलुमिनियम का एलॉय मिल रहा है, वायरलेस है। साथ में दोस्तों यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताई जा रही है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी। साथ में आपको यहाँ पे लाइट का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। और इसकी अगर लेंथ के बारे में बात करें तो लेंथ आपको यहाँ पे दिख रही होगी 240 mm का यहाँ पे लेंथ देखने को मिलता है। और बैटरी भी आपको यहाँ पे चार्जिंग बैटरी देखने को मिलेगी। और वेट के बारे में बात करें तो इसका जो वेट है 165 ग्राम है, काफ़ी हल्का यह ट्राइपॉड है। तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले इसमें एक ट्राइपॉड निकल के आता है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे एक आपको यहाँ पे ब्लूटूथ देखने को मिलेगा, साथ में आपको एक यहाँ पे चार्जर देखने को मिलेगा। ये केबल आपको जो देखने को मिल रही है, देख सकते हैं टाइप सी का यहाँ पे केबल मिल जाता है। तो टाइप सी का केबल काफ़ी अच्छा यहाँ पर है। और उसके अलावा यहाँ पर बुकलेट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको एक यहाँ पे वारंटी कार्ड देखने को मिलेगा, तो आप इसको स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद जो भी वारंटी है वो वारंटी इन्फॉर्मेशन आप इससे जान सकते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाता है, बाकी बॉक्स आपको इस प्रकार का मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी छोटा यहाँ पर ट्राइपॉड है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक बार नाप के दिखा देता हूँ। देख सकते हैं कि वन हैंड का यहाँ पर देखने को मिलेगा और साथ में यहाँ पर दो उंगली देखने को मिलेगा, तो काफ़ी छोटा यहाँ पर मिल जाता है। और देखिए काफ़ी लाइट वेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ब्लूटूथ एक यहाँ पे मिल जाता है, ब्लूटूथ को आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ब्लूटूथ लगाने के लिए देखिए यहाँ पे इस प्रकार आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे पावर बटन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको ऑन कीजिएगा तो ब्लूटूथ यहाँ पे ऑन हो जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पे कैमरे से आप यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, साथ में दोस्तों यहाँ पे फोटो भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो चलिए सबसे पहले ओपन कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो इस प्रकार से आपको यहां पे खींचना है और ये देख सकते हैं इसको आपको इस प्रकार से धीरे धीरे खींचना है। तो आप यहां पे दोस्तों देख सकते हैं ये ट्राइपॉड इस प्रकार से यहां पे निकल के आएगा, तो काफ़ी लंबा यहां पे ट्राइपॉड देखने को मिल जाएगा। और ये दोस्तों जो मिल रहा है एलॉय व्हील मिल रहा है, साथ में यहाँ पर नट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो दोस्तों काफ़ी मजबूत स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे मिल जाता है। और ये नीचे में भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो ओपन कैसे करना है चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस प्रकार से आप यहाँ पे प्रेस कीजिएगा और प्रेस करने के बाद दोस्तों जैसे मैं इसको ओपन करूँगा तो देख सकते हैं ये यहाँ पर सेटअप हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा आपको स्टेबिलिटी यहाँ पर मिलने वाला है, देख सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पर रबड़ का ग्रिप भी मिल जाता है। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं तो ऊपर में अगर आपको दिखाऊं तो इस प्रकार का आप यहाँ पे मोबाइल होल्डर यहाँ पे मिलने वाला है। तो मोबाइल होल्डर आप यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे आपको रबड़ का सिलिकॉन मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर बटन देखने को मिलेगा, साथ में चार्जिंग का भी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। तो जैसे मैं यहाँ पर पावर बटन को एक बार दबाता हूँ, तो पावर बटन को दबाने के बाद देख सकते हैं ये यहाँ पर लाइट ऑन हो जाता है। और उसके बाद लाइट को आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, तो आपको कलर यहाँ पे लाइट देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे लाइट आपको चेंज देखने को मिलेगा, तो काफ़ी सारे यहाँ पे लाइट के कलर मिल जाते हैं। साथ में आप लाइट को यहाँ पे बढ़ा और घटा भी सकते हैं, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एडजस्ट करने का भी ऑप्शन देखने को मिलता है और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर मिल जाती है, देख सकते हैं। इस प्रकार से आप मोबाइल को लगा सकते हैं, देखिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे मिल जाता है। और अगर बात करें तो देख सकते हैं काफ़ी मजबूत ये देखने को मिलेगा, तो हिलता नहीं है दोस्तों, काफ़ी अच्छा यहाँ पे क्वालिटी मिल जाती है। तो दोस्तों आप यहाँ पे बॉक्स में देख सकते हैं मॉडल आपको देखने को मिलेगा Q12S मैजिक, यहाँ पे स्नैपशॉट लिखा हुआ है। उसके अलावा सिंपल डिजाइन 765 mm का देखने को मिलेगा, फिल लाइट का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे लिखा हुआ है रिन फॉन्स ट्राइपॉड सेल्फ स्टिक ट्राइपॉड। ये साथ में आप कंपनी के बारे में देख सकते हैं, वी कूल कंपनी का ये आपको यहाँ पे ट्राइपॉड मिल जाएगा।
अब दोस्तों जैसे इसको अगर बंद करना है तो कैसे बंद कर सकते हैं, चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये नीचे वाला जो पोर्शन है इसको आपको नीचे में दबाना है। तो देखिए मैं आपको जैसे दिखा देता हूं, जैसे ये आप नीचे में दबाइएगा तो इस प्रकार से आप यहां पे बंद कर सकते हैं। बंद करने के बाद फिर आप इस प्रकार से आपको अगर निकालना है तो आप ये निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहां पे मोबाइल कैसे लगाना है, तो उससे पहले सबसे पहले मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा कि ब्लूटूथ को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, तो दोस्तों यहाँ पे ब्लूटूथ को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है ब्लूटूथ वाले ऑप्शन में, और ब्लूटूथ को आपको यहाँ पे ऑन कर लेना है। अब ऑन करने के बाद आपको मैं दिखा देता हूँ, जिसको इसको ऑन करूँगा, ऑन करने के बाद यहाँ पे ब्लिंक करना चालू कर देगा, और ब्लिंक करने के बाद देखिए यहाँ पे ऊपर में सेल्फी वाला ऑप्शन मिलेगा और ये कनेक्ट हो जाएगा। तो आपको एक बार इस प्रकार से यहाँ पे प्रेस करना है, प्रेस करने के बाद ओके कीजिएगा और पेयर आपको यहाँ पे कर लेना है। तो आप जैसे यहाँ पे प्रेस कीजिएगा ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, काफ़ी यहाँ पे फास्ट कनेक्ट होता है। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करके दिखा देता हूँ कि फ़ोटो कैसा आता है यहाँ पे। तो सबसे पहले इसको लगाना कैसे है, तो आप इस प्रकार से यहाँ पे लगाना है और आपको प्रेस करना है, प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। तो मैं यहाँ पे एक बार आपको दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं दोस्तों ये आपको काफ़ी अच्छा स्टेबिलिटी मिलेगा, आपको मोबाइल यहाँ पर नहीं गिरेगा, क्योंकि क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी मिल जाती है और ये काफ़ी मजबूत आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एल्युमिनियम का, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों एक नट देखने को मिल रहा है। तो ये नट देखने के बाद आपका ये लूज़ नहीं होगा, ये आप देख सकते हैं लूज़ नहीं होगा, काफ़ी अच्छा आप यहाँ पे सेल्फी ले सकते हैं। इस प्रकार से आपको सेल्फी लेना है तो आप यहाँ पर ले सकते हैं, ये ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि आउटडोर में कैसे ये वर्क करता है। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं, जैसे मैं यहां पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो रिकॉर्डिंग करने के दौरान देख सकते हैं इस प्रकार के आपको यहां पे क्वालिटी देखने को मिलेगी। तो आप यहां पे इस प्रकार से यहां पे ले सकते हैं और देख सकते हैं काफ़ी लंबा यहां पे देखने को मिलता है, जैसा आपको यहाँ पर लेना उस हिसाब से आप यहाँ पर ले सकते हैं। और मैं अभी यहाँ पर सेल्फी वाला यहाँ पर कैमरे को यूज़ कर रहा हूँ, तो आप लोकेशन देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पर लोकेशन देखने को मिलेगा, इस प्रकार से आप यहाँ पर सेल्फी ले सकते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पर बैक कैमरा एक बार करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे बैक कैमरे को ऑन कर लिया है, और बैक कैमरे को ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं जैसा आपको यहाँ पे फ़ोटो लेना है, अगर आपको नीचे का फ़ोटो लेना है तो इस प्रकार से आप नीचे में ले सकते हैं, और अगर आपको ऊपर में लेना है तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं। स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, आपका जो ट्राइपॉड है इस प्रकार से वाइब्रेट नहीं करेगा। तो दोस्तों ये जो सेल्फी स्टिक है वैल्यू फॉर मनी है, इसको आप जरूर परचेस करें, काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी और काफ़ी सारे आपको इसमें एडवांस फीचर देखने को मिलेंगे, ये लेटेस्ट यहाँ पर लॉन्च किया गया है। और अगर प्राइस के बारे में बात करें तो इसकी जो प्राइस है वो है 1399 रुपया, ये ऑफर में आपको देखने को मिल जाएगा, और इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन जाके लिंक पे क्लिक करके आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।